हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह. हमारा जो टॉपिक चल रहा था मोटिवेशन एंड लर्निंग, इसे आप प्रीवियस वीडियोस चेक करना. उसके अंदर हमने मोटिवेशन के बारे में कि कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेशन होता क्या है, मोटिव्स क्या होते हैं और टेक्निक्स आज हम पढ़ेंगे. तो पहले मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ प्रीवियस वीडियो के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करी थी कि मोटिवेशन क्या है. ठीक है, किसी बच्चे को किसी भी काम के लिए रेडी करना मोटिवेशन है. अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम आप बच्चे को दे रहे हैं कि बच्चा रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए, उस पर्पज़ के लिए या किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, तो आपको बच्चे को इस रूप में मोटिवेट करना है कि बच्चा इंटरेस्ट के साथ उस काम को करे. ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप थोप दें या ज़बरदस्ती बच्चा उस काम को करे, तो वो वाली चीज़ नहीं करनी है. ठीक है, बच्चे को ऐसे ही मोटिवेट करना है कि वो इंटरेस्ट लेके करे और अपनी इच्छा से करे. ठीक है, वो होता है मोटिवेशन. अब उसका लर्निंग से क्या वो है, देखिए आप जब भी लर्निंग करवाते हैं बच्चे की, आप टीचिंग करवा रहे हैं तो उससे बच्चा लर्निंग करेगा. तो अगर आपकी टीचिंग इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी कि वो बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिव करे या अभिप्रेरित करे किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो बच्चा क्या है, लर्निंग करेगा ही नहीं. वो तो एक कान से सुनेगा दूसरे से निकाल देगा, यूजलेस लगेगी उसको ये सारी चीज़ें. तो आपको बच्चे को उसकी इम्पॉर्टेंस बतानी है, बच्चे को उसको उसके लिए यूजेस बताने हैं कि उसके फ्यूचर में क्या यूजेस हो सकते हैं, और बच्चे को ये सारी बातें बतानी हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीखेंगे या बाकी चीज़ों के अकॉर्डिंग, तो वो आपके लिए जितना आप उसको स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे बच्चा क्या है उतना ज़्यादा मोटिवेट होगा. ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टिमुलस, ड्राइव और ये सारी चीज़ें आपको बच्चे को कैसे प्रोवाइड करनी है और कैसे सर्कल हमारा मोटिवेशन का घूमता है कि पहले हमारी किसी भी चीज़ की नीड होनी चाहिए, देन बच्चा रेडी होगा, उसको ड्राइव मिलेगा, देन आप स्टिमुलस देंगे. तो जितना ज़्यादा आप स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे बच्चे को, उतनी ज़्यादा बच्चे की क्या है, मोटिवेशन बढ़ेगी. ठीक है, फिर देन वो उसके लिए ट्राई करेगा और अचीव करने के बाद जो मोटिवेशन का रिडक्शन है वो वापस रिड्यूस होने लगेगा, वो घटने लगेगा लेवल. ठीक है, मोटिवेशन का तो अभी आज का हमारा सब टॉपिक है मोटिवेशन के अंदर टेक्निक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा की विधियाँ. अब हमने बात करी कि मोटिवेशन होता क्या है, ठीक है, और बच्चे को मोटिवेट करना क्यों ज़रूरी है, और हमने टाइप ऑफ मोटिवेशन पढ़ा था कि इंटरनली और एक्सटर्नली हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं, किन टेक्निक्स के द्वारा कर सकते हैं, वो टेक्निक सब पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट टेक्निक है हमारी प्रेज एंड डेनिग्रेशन, प्रशंसा एवं निंदा. देखिए आप कभी भी किसी चीज़ को, मतलब आप अपने घर में ही देखिए, अपनी फैमिली से कनेक्टेड होके देखिए या अपने जो आपका फ्रेंड सर्कल है उससे कनेक्ट होके देखिए कि अगर आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आपको प्रेज मिलता है, मतलब आपके लिए कोई प्रशंसा कर रहा है या आपको गुड, वेरी गुड बोल रहा है कि आपने ये चीज़ अचीव करी, बहुत अच्छी बात है, और ऐसे प्रेज कर रहा है आपको, तो आपका मोटिवेशन क्या है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. आप सोचेंगे आज मेरे को गुड, वेरी गुड मिल रहा है, कल मैं और अच्छा ट्राई करूँगा करने के लिए. तो एज अ टीचर आपको ये टेक्निक्स क्लासरूम में यूज़ करनी है बच्चों के साथ कि बच्चे कभी भी कोई भी काम करे तो आपको उसको प्रेज करना है, उसको आगे मोटिवेट करना है, उसको गुड, वेरी गुड बोलना है, उसकी काबिलियत बतानी है, उसको उसकी खूबियाँ बतानी है, उसको इस तरह से मोटिवेट करना है कि ऑलवेज़ क्या है, बच्चा अगर बच्चा छोटी सी भी चीज़ करके लेकर आए ना, जैसे आपने देखा होगा आप कॉपीज़ चेक करते हो तो वहाँ पे क्या है, गुड, वेरी गुड लिख देते हो, स्टार्स बना देते हो. वो किस लिए बनाते हो, वो एक टाइप का मोटिवेशन है, क्योंकि बच्चे जब वो स्टार्स देखते हैं, गुड, वेरी गुड देखते हैं, तो आपस में क्या है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है बच्चों का आपस में कि देखो तुम्हें 2 स्टार मिले हैं, मुझे तो 3 स्टार दिए मैम ने, तो जो जिसको 2 स्टार मिले हैं वो भी सोचेगा कि कल को मैं और अच्छा करूँगा तो मुझे भी 3 स्टार मिलेंगे. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई, एक टाइप का मोटिवेशन हो गया. और जब बच्चे की निंदा करनी है, मतलब किसी बच्चे को डांटना है कि आपको ये काम नहीं करना है या ये सारी चीज़ें, तो आपको ये देखिए यहाँ पे जितने भी इधर वाले हैं ना कि आपको निंदा करनी है, किसी को पनिशमेंट करना है या अनसक्सेसफुल बच्चे को बताना है, ये सारी चीज़ें क्या है, नेगेटिव नहीं है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम बच्चे को बोल देंगे आप तो कुछ नहीं कर सकते, अनसक्सेसफुल रह जाओगे लाइफ में या आपको पनिशमेंट देनी है, ये सारी नेगेटिव नहीं है. इनका नाम एक नेगेटिव वे में है, लेकिन इनको ऐसे यूज़ करना है एज अ टीचर आपको कि बच्चों के लिए पॉजिटिव वे लेकर आए. मतलब आप पनिशमेंट नहीं देंगे उनको कि उनको डंडे से मारा या फिर क्लास से बाहर निकाल दिया या वो 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है. वहाँ पे
आपको पनिशमेंट इस रूप में देनी है कि बच्चे को आप थोड़ा और अच्छा मोटिवेट करने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि आपके मतलब आपने ये काम बच्चे अच्छा नहीं किया, देखो बाकियों ने कितना अच्छा किया है, आपसे क्यों नहीं हुआ, कोई कमी रह गई थी, अब मुझसे बात करते वो, तो बच्चे को एक थोड़े शेम फील भी होगा कि हाँ मैंने क्यों नहीं अच्छे से किया, बाकियों ने किया, तो वो नेक्स्ट टाइम क्या है उसको पॉजिटिव वे में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा कि नेक्स्ट टाइम मैं भी उसको और अच्छा करूँगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ, बच्चे के लिए आपने एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया और पॉजिटिव मोटिवेशन क्रिएट किया, ओके। आपने वहाँ पे ये नहीं कि बच्चे की निंदा करी तो उसको ऐसे बोल दिया कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, किसी लायक नहीं हो, और ठीक है जाके ठेला खोल लो, सब्जियाँ बेको, ये वो, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो एज अ टीचर आपको ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है, प्रशंसा निंदा या प्रेज या डेनिगेशन, इसमें क्या है आपको दोनों पॉइंट्स के अंदर पॉजिटिविटी लेकर चलनी है बच्चों के साथ, कि आप उसको जब भी मोटिवेट करें क्लासरूम के अंदर कि आप उसकी उसके लिए प्रेज कर रहे हैं या उसकी तारीफ कर रहे हैं या फिर उसको थोड़ा सा ये बता रहे हैं कि आपने अच्छा नहीं किया, तो दोनों का वे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। सेकंड आता है हमारा रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, यानी कि पुरस्कार एवं दंड। अब आप रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि बच्चे ने आपको एक आज कोई अच्छी चीज़ करके दिखाई, ठीक है। आप वहाँ पे छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक कि आप क्लासरूम में क्लैपिंग करवा सकते हैं, चॉकलेट या टॉफ़ीज़ दे सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से कुछ कर सकते हैं, तो बच्चों को वो क्या रिवॉर्ड्स मिलेगा, तो वो नेक्स्ट टाइम और मोटिवेट होगा और अच्छा करने के लिए, ठीक है। और फिर पनिशमेंट आप बच्चों को कैसे दे सकते हैं, पनिशमेंट ऐसे दे सकते हैं, अगर बच्चे मान लीजिए क्लास में ध्यान नहीं लगा रहे हैं या एक्टिव नहीं है, सुन नहीं रहे हैं या किसी चीज़ के लिए वो ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड नहीं है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं उनको पॉजिटिविटी लाने के लिए उनमें किसी और अकॉर्डिंग कि उनको क्लासरूम में खड़ा करके आप बोल सकते हैं कि आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें, तो बच्चे को अंदर से फील होती है ये सारी चीज़ें कि बाकी अगर मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 में से 19 कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो वो क्या इंटरनली मोटिवेट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल। जब बच्चे को एक लेवल पे सफलता मिलने लगती है किसी भी चीज़ में, क्या है वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी, लाइक कि बच्चा अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसने बहुत अच्छी जॉब ले ली है, उसका पैकेज बहुत अच्छा है, तो वो चीज़ें भी क्या है बच्चे को खुद से मोटिवेट करती है किसी भी काम को और अच्छा करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए, ठीक है। तो क्लासरूम के अंदर बच्चा सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कैसे रहता है कि मान लीजिए बच्चे ने, अगर आपने बच्चों से टेबल सुनी है, तो बच्चे ने पूरा 100% दिया और बच्चों ने बहुत अच्छे से बताया, या फिर 5 मार्क्स का आपने टेस्ट लिया या 10 मार्क्स का लिया, तो बच्चे के पूरे 10 out of 10 आए, तो वहाँ पे क्या हुआ बच्चे को सक्सेस मिली कि हाँ मैंने इस चीज़ के लिए मेहनत करी थी और मेरी मेहनत क्या सफल हो गई, यानी कि सक्सेसफुल हो गई, तो वहाँ पे क्या होगा वो नेक्स्ट टाइम भी अपने लिए खुद मोटिवेटेड होगा कि मुझे ये वाला काम भी और अच्छे से करना है ताकि मेरे मतलब जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ आए, ठीक है। और अनसक्सेसफुल होता है कि अगर बच्चा कहीं पर किसी कंडीशन में अनसक्सेसफुल हो जाता है, अगर आपने 10 मार्क्स का उसका सब टेस्ट लिया है और बच्चे के 10 में से 5 ही आए, हाफ मार्क्स आए या कुछ है, तो आपको वहाँ पे उसकी गलतियाँ बतानी है, आपको उसको ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं करना कि आपके बस की कुछ नहीं है या ये सारी चीज़ें, आपको वहाँ पे क्या करना है एज अ टीचर, बच्चे के लिए एक गाइडेंस प्रोवाइड करनी है कि देखो आपने यहाँ पे मिस्टेक करी और यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए थी, तो आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, या उसको पर्सनली ट्यूट कर सकते हो, पर्सनली इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो, या फिर उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट उसके साथ, जो प्री ग्रुप लर्निंग हमने पढ़ी थी, प्री ग्रुप लर्निंग में क्या होता है बच्चे आपस में ही क्या है एक दूसरे की कॉपीज चेक करते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन रहता है कि बच्चों को आपस में पता चलता है कंपटीशन के अकॉर्डिंग कि मुझे क्या है इससे आगे रहना है, तो वहाँ पर क्या है वो भी एक टाइप का मोटिवेशन है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, क्विज एंड कॉम्प्रेशन, यानी कि प्रतियोगिता एवं सहयोग। अब क्विज और जो सहयोग है, जो आपका कॉम्प्रेशन है, तो इसमें क्या करना है आपको कि बच्चे के साथ
एक ऐसे कंपेयर करते हुए या एक हेल्दी कंपटीशन रखते हुए आपको उसको सहयोग करना है, जिससे आपकी भी क्वालिटीज इंक्रीज हो और बच्चे की भी क्वालिटीज इंक्रीज हो. लाइक अगर मान लीजिए आप क्लासरूम के अंदर एक क्विज रख देते हैं, ठीक है, तो उसमें बच्चे क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए मोटिवेटेड होंगे कि इसने ये चीज़ बोली है. या फिर मान लीजिए आपने टू टीम्स डिवाइड कर दी किसी क्विज को लेके, जैसे साइंस के क्विज होते हैं, मैथ्स के क्विज होते हैं, एक टीम में दो बच्चे, एक टीम में दो बच्चे, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो फर्स्ट टीम है वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे कि हमारी टीम को जीतना है. क्या है, बेशक वो आपस में फ्रेंड्स ना हो क्लासरूम में, लेकिन जब वो एक टीम के अंदर आ जाएंगे तो एक टीम की तरह काम करेंगे कि हम एक ग्रुप में, एक टीम में, तो हमारी टीम को जीतना है. ठीक है, तो वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, मतलब सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, ताकि वो ये वाला कॉम्पिटिशन जीत जाए. ठीक है, और फिर क्या होगा, जैसे क्विज आप रखते हो कि आपने एक क्वेश्चन फर्स्ट टीम से पुट किया, सेकंड क्वेश्चन उसमें, अगर फर्स्ट टीम के 3 मार्क्स हैं और सेकंड टीम के 5 मार्क्स हैं, तो उनमें होगा कि बाकियों के जो जितने क्वेश्चंस रह गए हैं उसके आंसर्स हमें ही करने हैं, ताकि हम यहाँ पे विन कर सकें. ठीक है, तो ये वाला क्या हुआ, एक आपने हेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर दिया क्लासरूम के अंदर क्विज रख के, कि बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, एक हेल्दी कंपटीशन भी होगा और बच्चे में आगे निकलने की जो मोटिवेशन है वो खुद से आएगी. ठीक है, उसके बाद आता है नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि प्रगति का ज्ञान. अब प्रगति कैसे, अगर चीज़ें मतलब आज किसी कंडीशन पे बच्चा है जिस चीज़ की उसे नॉलेज नहीं है, वहाँ पे क्या है, उसकी किसी टाइप की भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है. ठीक है, लेकिन अगर वो किसी चीज़ को सीख के या आपके द्वारा नॉलेज गेन करके, लर्निंग करके उस चीज़ में तरक्की कर लेता है, आगे बढ़ जाता है, तो वो क्या होगा, उसके लिए एक इफ़ेक्टिव लर्निंग रही, तो वहाँ पे उस कंडीशन में बच्चा सोचेगा कि मैंने ये चीज़ सीखी, मुझे ये चीज़ मिली, तो मैं अब आगे और बढ़ने के लिए सेकंड चीज़ क्या सीखूँ ताकि मुझे और सक्सेस हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जॉब्स में देखा होगा ज़्यादातर कि अगर मान लीजिए कि किसी ने न्यू ज्वाइनिंग करी कंपनी के अंदर, तो उसको क्या होता है, फर्स्ट में क्या है उसका लेवल, मतलब किसी भी पोस्ट के लिए हो, कि वो मैनेजर के लिए हो या किसी भी चीज़ पोस्ट के लिए हो, जब वो करता है अप्लाई या फिर जब उसकी पोस्टिंग होती है, तो स्टार्टिंग में जो उसका कॉम्पिटिशन होता है या हार्डवर्क होता है वो चीज़ देखी जाती है. तो हार्डवर्क के अकॉर्डिंग ही उसकी क्या है, प्रगति होती रहती है, उसको आगे प्रोग्रेस मिलता है लाइफ में, कि उसकी स्टेज बाय स्टेज पोस्ट इंक्रीज हो जाती है, अचीवमेंट्स बढ़ जाती हैं, या उसको ट्रॉफीज़ मिलती हैं, या फिर सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाता है. तो वो सारे क्या है, मोटिवेशन है. क्यों दिए जाते हैं ये सारे, ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ क्या है, आगे मोटिवेट होते रहे. अब आपने ऐसे किया कि मान लीजिए आपने किसी अपने उसको कहीं पे आपने जॉब ज्वाइन करी, ठीक है, लेकिन आपकी पोस्ट तो इंक्रीज़ कर दी लेकिन सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो आप भी क्या सोचेंगे कि नाम के लिए सिर्फ पोस्ट इंक्रीज़ कर दी है कि काम मेरे ऊपर और ज़्यादा आ गया, मेरे पास ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, लेकिन मेरे को रिवॉर्ड तो कुछ नहीं मिला इसके बदले. तो जब तक आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगी या बाकी चीज़ें, तो आप क्या है किसी भी रूप में मोटिवेटेड ही नहीं होंगे, क्योंकि आप वहाँ पर सोचोगे बस काम बढ़ाने के लिए और हार्डवर्क, कि मैं काम करता हूँ तो हार्डवर्क करूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज कर दी है, बाकी मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ. ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, आपकी जो तरक्की थी या आपकी नॉलेज ऑफ प्रोग्रेसिव होती है, वो सारी चीज़ें क्या है, आपको मोटिवेटेड करती है अपनी लाइफ के अंदर, कि आपको जैसे जैसे प्रोग्रेस मिलेगी और जैसे जैसे अचीवमेंट्स मिलती जाएंगी, वैसे वैसे आप लाइफ में और मोटिवेटेड होते जाओगे. उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, नीड एंड इंटरेस्ट, यानी कि आवश्यकता और रुचि. जब तक बच्चे की किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी लर्निंग के लिए, किसी भी अचीवमेंट गेन करने के लिए जब तक उसका नीड नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक बच्चा कोई भी काम नहीं करेगा. अगर बच्चे को लर्निंग भी करनी है ना, तो उसे पता है कि मुझे ही क्लासरूम में फर्स्ट आना है, सेकेंड आना है, या मैं 6th क्लास में हूँ तो मुझे अच्छी परसेंटेज ला के 7th में जाना है, देन आगे मुझे 10th में अच्छी परसेंटेज ला के साइंस साइड लेनी है ताकि मैं डॉक्टर बन सकूँ, इंजीनियर बन सकूँ. ये सारे ऑप्शंस क्या है बच्चे रखते हैं, तो उनकी एक क्या होती है, नीड होती है, आवश्यकता होती है. जब तक उनके सामने कोई नीड नहीं होगी, बच्चे किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेटेड ही नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ के लिए ज़रूरत ही नहीं है,
हम लोग जो इतना स्ट्रगल करते हैं लाइफ में कि कमाते हैं, डेली भाग दौड़ करते हैं, जॉब पे जाते हैं, बाकी क्यों करते हैं? क्योंकि एक नीड है लाइफ की कि हमें लाइफ में सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, सक्सेस चाहिए, सोसाइटी में एडजस्ट होना है, अच्छी फैमिली में हमारे मतलब नाम हो, ये सारी चीज़ें. तो वो क्या है, आपकी नीड है. जब तक आप उन अचीवमेंट जो आपकी अचीवमेंट्स हैं ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे, तो अपनी नीड्स भी अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है. और जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा किसी के टूवर्ड्स, आप तब भी कोई काम नहीं करोगे. अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती क्या बोलो कि नहीं आपको डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनना है, उसका इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा कि मुझे तो ये काम करना ही नहीं था, ज़बरदस्ती मेरे से करवाया जा रहा है, ठीक है. तो वो क्या होगा, बस एक किताबी भाषा पढ़ना और छापना बस उतना ही रहेगा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा. और मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि वो लाइफ में कहीं पर स्टैंड ना कर पाए. सिर्फ डिग्रीज लेना अचीवमेंट नहीं होती है, उसके बाद लाइफ में सक्सेस होना और उस फील्ड में अच्छा करना वो अचीवमेंट्स होती हैं, ठीक है. तो इसीलिए बच्चे के इंटरेस्ट और नीड्स के अकॉर्डिंग आपको मोटिवेट करना है कि जब तक आप बच्चे का किसी के टूवर्ड्स इंटरेस्ट डेवलप नहीं करोगे, बच्चों को नीड्स नहीं बताओगे कि आपकी ज़रूरत है, आपको इसीलिए लर्निंग करनी है, तो बच्चा किसी भी रूप में मोटिवेटेड नहीं होगा, ठीक है. तो ये 6 पॉइंट थे टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन के, कि आपको कौन कौन सी क्लासरूम टीचिंग के अंदर विधियाँ यूज़ करनी है, टेक्निक्स यूज़ करने हैं, ताकि आप क्लासरूम टीचिंग को इफ़ेक्टिव भी बनाओ और जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट भी करो, ठीक है. इससे रिलेटेड मोटिवेशन की 2-3 थ्योरीज हैं, मेसेऑल की थ्योरी है और 1-2 और हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो अभी वो भी डिस्कस कर लेते हैं. अब बात करते हैं मेसॉल का आवश्यकता पदानुक्रम, यानी कि मेसॉल हेराकी नीड थ्योरी, ठीक है. ये मोटिवेशन से रिलेटेड है. मेसॉल ने क्या है, मोटिवेशन के ऊपर थ्योरी दी थी. क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है ये कि जो मोटिवेशन हेराकी थ्योरी है मेसॉल की, वो किससे रिलेटेड है, मोटिवेशन से, या इसको अपोजिट करके उल्टा करके भी पूछ सकते हैं कि ये वाली थ्योरी किसने दी है, मेसॉल ने, जो आपकी मोटिवेशन से रिलेटेड है, ठीक है. तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन गए. उसके बाद बात करते हैं कि जो मेसॉल ने अपनी हेराकी थ्योरी दी है, तो याद रखना हेराकी दी है, मतलब एक ऐसे पिरामिड टाइप में ये 5 स्टेप्स रखे थे. तो कौन सी थ्योरी दी है, हेराकी में दी है, यानी कि पद, यानी कि फर्स्ट, जिसमें स्टेप बाई स्टेप होते हैं, तो 5 स्टेप दिए थे कि फर्स्ट आपकी नीड ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, ऐसे टाइप के एक पिरामिड टाइप में, जो मैंने आपको एक पिरामिड भी बताया था, ये वाला मेसॉल का हेराकी थ्योरी है, ठीक है. अब बात करते हैं कि कौन सी 5 मोटिवेशन या 5 नीड्स बताई थी मेसॉल ने, जिसके अकॉर्डिंग बच्चा क्या है, मोटिवेटेड होता है. मेसॉल ने बोला था कि किसी भी बच्चे के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जन्म से ही, या उसकी ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो उसको खुद से मोटिवेट करती है. मतलब आपको एज अ टीचर या फिर एज अ पेरेंट्स या एज अ फ्रेंड बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं होती. कुछ चीज़ें बच्चों के अंदर से ही होती हैं कि बच्चा खुद मोटिवेट होता है, ठीक है. अब वो 5 स्टेप्स में जो मेसॉल ने डिवाइड किया था कि बच्चा किन किन रूप में क्या है अपने अकॉर्डिंग मोटिवेट होता रहता है, तो उसमें हमारा फर्स्ट जो स्टेप रखा था वो है साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी कि दैहिक शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकता है. इसका मतलब है कि जो बच्चे की शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना, जो मतलब साइकोलॉजिकल हैं, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये नीड्स क्या हैं, आप किसी के अंदर डेवलप नहीं कर सकते हो, बच्चे की नेचुरली होती है. अब नेचुरली कैसे होती हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बोल के क्या है, कुछ भी चीज़ बता नहीं सकता. उसको जब भूख लगती है तो वो बता नहीं सकता, उसको प्यास लगती है तब वो बता नहीं सकता. तो वो क्या करता है, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन देता है या ऐसी क्रियाएं करता है जिससे उसकी मदर को पता चलता है कि हाँ मेरे बेबी को भूख लगी है या प्यास लगी है, उसे कोई और चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है. तो वो क्या है, वो क्या है, साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं कि बच्चा अंदर से ही बच्चे को इच्छा होता है. बच्चे को तो पता नहीं ना कि मैं प्यास के लिए कैसे रिएक्ट करूँ या भूख के लिए कैसे रिएक्ट करूँ, लेकिन वो साइकोलॉजिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली कि बच्चे की वो सारी चीज़ें माँ भी समझ जाती है और बच्चा भी अपने थ्रू एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है. तो इसीलिए जो हमारी फर्स्ट इसके अंदर नीड बताई है मेसॉल ने, उन्होंने कहा है
कि जो बच्चे की फर्स्ट नीड है जिसके अकॉर्डिंग वो मोटिवेट रहता है वो होती है उसकी साइकोलॉजिकल नीड या शरीर से जुड़ी हुई क्रियाएं, मतलब जैसे बच्चे को भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना या फिर आलस आना या बात करना या रोना, जो इमोशंस होते हैं हमारे, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें कभी किसी से सीखनी नहीं पड़ती। आपने कभी किसी को देखा है कि अगर वो अपसेट है या फीलिंग लो है या फिर कुछ ऐसा है कि उसको किसी से डांट पड़ी है या कुछ है, तो वो मम्मी या पापा से पूछता है, पहले भाई बहन से पूछता है कि यार मम्मी ने आज मुझे मारा था या मुझे डांटा, तो क्या मैं थोड़ी देर रो लूँ, रोना ठीक है? तो वो क्या है, वो सारी चीज़ें तो नहीं होती ना, वो क्या होता है, हमारी साइकोलॉजिकल चीज़ें होती है कि ऑटोमेटिक उस कंडीशन में क्या है, बच्चे के इमोशंस बाहर आ जाते हैं कि वो रोने लगता है। बच्चे को तो नहीं पता रोना होता क्या है, कब आंसू आते हैं कब नहीं आते, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे के अंदर जब वो बच्चा एक जन्म लेता है तो बच्चा अपने अंदर ये सारी चीज़ें पहले से ही लेकर आता है। अब मुझे भी यहाँ पे है कि अगर मैं आपको कोई चीज़ समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ और मुझे आपकी साइड से बेस्ट रिस्पांस मिल रहा है, तो क्या मैं भी आगे किसी काम को करने के लिए मोटिवेट रहूँगी, मैं भी हैप्पी रहूँगी? अब ये तो नहीं है कि आप मुझे बेकार रिस्पांस दे रहे हो या मेरी टीचिंग इफेक्टिव नहीं है या कुछ इस तरीके से, तो मैं यहीं पर खड़े खड़े आपके सामने रोने लग जाऊँ? तो वहाँ पर मैंने क्या किया, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, ठीक है? तो बच्चे को पता रहती है जो हमारी फिजिकल नीड्स होती हैं, पहली जिनको प्राथमिक आवश्यकताएं बोलती है, वो क्या होती हैं, आपकी जैसे भूख लगती है, आपको कभी पूछना नहीं पड़ता किसी से कि मुझे भूख लगी है खाना खा लूँ, आपको पता है कि भूख लगी है तो खाना ही खाना है, ठीक है? और ऐसी आपको प्यास लगती है तो पानी ही पीना है, आपको नींद आती है तो आपको सोना ही है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी साइकोलॉजिकल होती हैं, कि आपको किसी के द्वारा सिखाई नहीं जाती, ये आप जब जन्म लेते हो उसी के साथ आपके अंदर डेवलप्ड हो जाती है। जैसे आपके इमोशंस होते हैं कि आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है तो आप बहुत हैप्पी रहते हैं, डांस करने लगते हैं, बाकियों के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अगर आपको कभी फीलिंग लो होती है या अपसेट होते हो या ये सारी चीज़ें, तो आप ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपके इमोशंस बाहर आ जाते हैं, आप रोने लगते हो, किसी से अच्छे से बिहेव नहीं करते हो। तो ये फर्स्ट स्टेप में हमारे मिस ऑल ने बोला था कि बच्चे को मोटिवेट करने के लिए उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स ही सबसे पहली चीज़ है, कि अगर बच्चे को कोई भी काम करना है या किसी भी चीज़ के लिए उसको आगे मोटिवेट करना है तो उसकी खुद की साइकोलॉजिकल जो नीड्स होंगी, जो शारीरिक की क्रियाएं होंगी, मतलब आपकी शरीर से जुड़ी हुई क्रियाएं होंगी, वो खुद ही आपको मोटिवेट करेंगी। आपको भूख लगेगी तो आप खुद ही उठोगे, खाना खाओगे, और आपको पता है कि खाना खाने के लिए क्या है, कमाना पड़ता है, पहले मेहनत करनी पड़ती है, तो वहाँ पे क्या रहोगे, आप मोटिवेट रहोगे। अगर आप काम ही नहीं करोगे, कमाओगे नहीं, तो खाना कहाँ से खाओगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपकी फिजिकली हैं, आपकी फर्स्ट जो प्राथमिक आवश्यकता है वो ही आपको मोटिवेट करती है एज़ पर मेशॉल थ्योरी, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं सेकेंड जो पॉइंट है, मैसॉल के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है सेफ्टी नीड्स, यानी कि सुरक्षा की मांग। अब मैसॉल ने बोला है कि आपकी फिजिकल नीड पूरी हो गई जिसने आपको मोटिवेट किया किसी भी काम को करने के लिए, अब सेकेंड स्टेप में कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट करती है किसी भी काम को करने के लिए, आपकी सुरक्षा की मांग। अब आप अपनी सुरक्षा कहाँ कहाँ देखते हो, अपनी सेफ्टी कहाँ कहाँ देखते हो? फर्स्ट आप देखोगे कि मान लीजिए आप, मतलब बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, उसने अपनी फिजिकल नीड्स पूरी कर ली, पहले भूख शांत कर ली, प्यास शांत कर ली और नींद पूरी कर ली, बाकी सी चीज़ें। अब वो सेफ्टी के नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा तो सेफ्टी में क्या सोचेगा कि मेरे पास घर होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे मुझे प्रॉपर हवा आए, धूप आए, ये सारी चीज़ों, घर की होना चाहिए कि जब बारिश आए, तूफान आए तो मैं उससे बच सकूँ, ठीक है, और मेरे पास पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए। ये सारी क्या गई, आपकी सेफ्टी नीड्स हो गई। कि सेकेंड स्टेप में मैसॉल ने बोला था कि जब बच्चे को अपनी सेफ्टी नीड्स की नॉलेज होगी या बच्चे को अपनी सुरक्षा की आवश्यकता होगी कि मैंने पैदा होने के बाद अपनी फिजिकल नीड्स पूरी कर लिए, लेकिन अब मुझे सेफ्टी भी तो चाहिए, मुझे घर भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए पहनने के लिए, बाकी एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसी सोसाइटी भी चाहिए जहाँ मैं एडजस्ट कर सकूँ अपने अकॉर्डिंग, प्रॉपर हवा चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग होगी। तो बच्चा
उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, मेहनत करेगा, तो वहाँ पे वो क्या होगा, मोटिवेट होगा। अब घर तो ऐसे नहीं मिलेगा ना आपको, घर के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर जॉब करनी पड़ेगी, लाइफ में अच्छी सैलरी लेनी पड़ेगी, अचीवमेंट लेनी पड़ेगी, तभी आप घर खरीद पाओगे, उसके अंदर रखी बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ले पाओगे, आने जाने की सुविधा के लिए आप गाड़ी ले पाओगे, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक अच्छी सोसाइटी ले पाओगे कि जहाँ पे आपको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। तो सेकंड स्टेप में मिस ऑल ने क्या बोला है कि जब बच्चे को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी सेफ्टी की नीड होती है तो बच्चा उस चीज़ को पूरी करने के लिए खुद मोटिवेट होता है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको रहने के लिए घर चाहिए अब, या आपको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, उसको भी खरीदने के लिए क्या है, आपको पैसे चाहिए, ठीक है। और पैसे कहाँ से आएंगे, जब तक आप जॉब नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो सेकंड स्टेप में मिस ऑल ने बोला कि फिज़िकल नीड्स पूरी करने के बाद आपको अपनी सेफ्टी नीड्स पूरी करनी है। अगर आपको अपनी सेफ्टी नीड्स पता होंगी तो आप उस अकॉर्डिंग मेहनत भी करोगे और बाकी चीज़ें अचीव भी करोगे और उसी के लिए आप मोटिवेटेड भी रहोगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है बिलोंगिंगनेस नीड्स, यानी कि आत्म अभिव्यक्ता की आवश्यकता। अब बिलोंगिंगनेस से आप क्या समझते हो, अब मान लो बच्चे ने अपनी घर गाड़ी ये सारी चीज़ें भी ले ली, अब बच्चे को उसके बाद क्या चाहिए, बच्चा सोचेगा कि मेरे को चलो मेरे पेरेंट्स ने ये सारी चीज़ें दे दी कि मेरी सेफ्टी की नीड्स पूरी हो गई, ठीक है। तो बच्चे को अब क्या चाहिए, आत्मनिर्भरता में बच्चे को चाहिए कि मेरे को जो बिलोंगिंगनेस है, बिलोंगिंगनेस में बच्चे को चाहिए कि मैं किसी को प्यार कर सकूं, कोई मुझे प्यार कर सके, कोई मुझे इम्पोर्टेंस दे सके। अब ये नहीं कि वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही हो, वो आपकी लाइफ से जुड़े हुए कोई भी ऐसे पर्सन्स हो सकते हैं जो आपको एक इम्पोर्टेंस दे सके अपनी लाइफ के अंदर। वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके ऐसे रिलेशंस हो सकते हैं फ्रेंड्स वगैरह के जो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। अब मान लीजिए कि आप हो और आपका कोई फ्रेंड है, वो इस रूप में मतलब इतना अच्छा कह सकते हैं वेल एजुकेटेड है, या फिर उसकी हैबिट्स इतनी अच्छी है कि उसको फैमिली के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, लाडला होता है, हर एक विश उसकी पूरी की जाती है, फ्रेंड सर्कल में काफ़ी फेमस है, उसकी ऐसी हैबिट्स हैं और बाकी स्कूल में भी काफ़ी अच्छा है, अचीवमेंट्स उसकी इतनी अच्छी हैं, तो आप क्या रहोगे, वहाँ पे भी मोटिवेटेड रहोगे, सोचोगे कि यार मेरे फ्रेंड को ये सारी चीज़ें मिलती है, मुझे क्यों नहीं मिलती, तो आप भी सोचोगे मुझे भी यही सारे रिलेशंस अपने चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरी तारीफ़ करें, या उनके लिए मैं इतना इंपॉर्टेंट रहूँ कि मेरी हर एक छोटी छोटी विश पूरी हो, मेरे बर्थडे पर मुझे सरप्राइज़ दें, ये सारी चीज़ें। तो बिलोंगिंगनेस जो थर्ड स्टेप बताया मिस सॉल ने, उसमें बताया है कि बच्चे की प्रेम भावना जाग जाती है, बच्चा सोचता है कि बाकियों के प्रति मतलब बाकियों से मुझे भी प्यार मिले और मैं भी किसी को प्यार दे सकूं, वो वाली नीड, तो बच्चा उस वे में खुद मोटिवेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेम्स नीड्स, यानी कि सम्मान की आवश्यकता। स्टेम्स नीड्स में क्या आता है आपका, सम्मान की आवश्यकता, मींस अगर आपको कभी भी सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिल रही है तो आप वहाँ पे क्या रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे किसी भी काम को और अच्छा करने के लिए। लेकिन आपको आपकी फैमिली से भी ऐसे होता है कि दुकार दिया जाता है, बात नहीं की जाती, या आपको भरा बुरा कहा जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं आपको जो आपको अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो उन बातों से, तो आप क्या रहोगे वहाँ पे किसी भी काम को और अच्छे से करने के लिए क्या है, मोटिवेटेड ही नहीं रहोगे। आपकी मम्मा भी आपको कुछ काम करने को बोलेगी, आप बोलोगे मैं तो बेकार हूँ ना, मैं तो ये काम करता ही नहीं, आपका अच्छा बेटा नहीं हूँ, ठीक है मुझसे क्यों करवाते हो, किसी और से ही करवा लो। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उस बच्चे के अंदर वो वाली फीलिंग्स आ जाएंगी कि वो एक आइसोलेटेड पर्सन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाएगा, अपने आप में खो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब फोर्थ स्टेप के अकॉर्डिंग जब आपकी सम्मान की आवश्यकताएं होती है, आपकी रिस्पेक्ट वाली फीलिंग होती है, तो आप बच्चा वहाँ पे क्या होता है, खुद मोटिवेट होता है। अगर आप कोई काम कर रहे हो
आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं किसी भी काम के अकॉर्डिंग कि आपने बहुत अच्छा किया और आप अच्छा कर सकते हो, आपकी सोसाइटी में आप हेल्प करते हो या कोई भी काम ऐसा करते हो या फिर बहुत अच्छी आपकी वैल्यूज़ हैं और मैनर्स हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट देगी। आपको आता जाता पर्सन अगर हेलो करता है, नमस्ते करता है, तो आपको एक अपने ऊपर प्राउड फील होगा कि हाँ मतलब सब मेरे को इतना जानते हैं, इतना अच्छा मानते हैं, तो मेरे को क्या अपना इसी टाइप का बिहेवियर बना के रखना है, कुछ भी गलत काम ऐसा नहीं करना ताकि मेरे इस बिहेवियर को चेंज कर सके या बाकियों की नज़रों में मैं गलत हो सकूँ, कोई मेरे बारे में नेगेटिव थाट्स रखे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या रहोगे, आप खुद से मोटिवेटेड रहोगे कि मुझे खुद के लिए ऐसा कोई काम नहीं करना कि मेरे सम्मान के ऊपर बात आ जाए, मुझसे सब चिढ़े या कोई मुझे नेगलेक्ट करे और मुझे सब गलत देखे, गलत नज़रों से देखे, नेगेटिव थॉट्स रखे। तो वहाँ पे भी एज पर मिसॉल थ्योरी कि वहाँ पर भी अगर आपकी सम्मान की आवश्यकता होगी, आपको रिस्पेक्ट वाली फीलिंग रहेगी हमेशा, तो आप किसी न किसी वे में किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेटेड रहोगे कि मेरे को ये चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं तो मैं इस काम को इसी के अकॉर्डिंग लेके चलूँ, इसमें कोई भी चेंज ना करूँ, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, मतलब आपको जो अपनी लाइफ से रिलेटेड एक्चुअल चीज़ें पता है या अपने अंदर की चीज़ें पता है, मतलब आत्मसिद्धि, आपको अपनी आत्मा से रिलेटेड जो आपके अंदर की नीड्स हैं उनको पूरा करना है। जैसे आप सोचोगे कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव या अपनी कोई ऐसी नीड पूरी करना जिसके अंदर बच्चा किसी भी चीज़ के लिए अपनी आवश्यकता समझता है, अंदर से अपने लिए सेल्फ मोटिवेटेड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि आप सेल्फ अवेयर हो किसी के लिए, आपको कोई चीज़ बता दी गई तो आप क्या रहोगे, आप जानने के इच्छुक रहोगे कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, ताकि मैं अवेयर रहूं, मेरे को नॉलेज रहे, ये सारी चीज़ें। आप क्रिएटिव रहोगे, क्रिएटिव में कैसे रहोगे कि कोई भी चीज़ अगर आपके सामने रख दी जाती है किसी काम को करने के लिए, तो आप वहाँ पे क्या रहोगे कि अपने आप को इस टूवर्ड्स प्रेजेंट करोगे कि हाँ मेरे को ये काम अच्छे से अच्छा करना है ताकि इस चीज़ के लिए मुझे अच्छी अचीवमेंट्स और सक्सेस मिले। तो वो भी क्या है, आपका मोटिवेशन है। अगर आप किसी काम को बहुत अच्छे से करने के लिए अपने अंदर से आपको फीलिंग आ रही है, आपको किसी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं है आत्मसिद्धि के अंदर, आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि मुझे ये काम बहुत अच्छे वे में करना है, इस वे में करना है, तो वहाँ पे आपकी क्रिएटिवनेस बाहर निकल कर आएगी, आपकी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बाहर निकल कर आएंगी, ठीक है। वहाँ पे क्या रहोगे, आप अपनी अकॉर्डिंग मोटिवेट रहोगे, ओके। तो ये थी आपकी मेसॉल की हायरार्की थ्योरी। आई होप ये फाइव स्टेप्स थे जो उन्होंने दिए थे, आपको समझ आ गए होंगे। जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट बताया था फिजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग, जो आपकी प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, यानी कि साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जिसके अंदर आप उन चीज़ों को पूरी करते हो जो नेचुरली होती है, जैसे आपको भूख लगती है, आप हंगर होते हो, आपको प्यास लगती है, या आपको सोना है, नींद आ रही है, उन नीड्स को पूरी करते हो, ठीक है। सेकंड बता दिया था सेफ्टी नीड्स, उसके बाद आपको क्या चाहिए, घर चाहिए, कपड़े चाहिए, गाड़ी चाहिए घूमने के लिए, टीवी चाहिए, एसी चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या आ गई आपकी सेफ्टी नीड्स में आ गई। उसके बाद बिलोंगिंगनेस नीड्स, कि आपको प्यार वाली भावना चाहिए कि आपको सब प्यार करें, आप किसी को प्यार करो, ठीक है। उसके बाद आ गई आपकी स्टीम नीड्स, यानी कि सम्मान की आवश्यकता, कि जब तक आपको किसी से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है और ये सारी चीज़ें, तो आप सोचते हो इसको मेंटेन करके चलना है और किसी के माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स ना आए मेरे टूवर्ड्स, तो इसको इसी रूप में लेकर चलना है, वहाँ पे आप मोटिवेट रहोगे। और लास्ट था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, तो इसके अंदर क्या बोला था कि आप अंदर से सेल्फ अवेयर रहोगे, सेल्फ रिस्पेक्टेड रहोगे, तो उसमें क्या होगा कि आप अपनी खुद की नीड्स के लिए क्रिएटिव रहोगे, आपको पता होगा कि अपने लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद दो हमारी और थ्योरीज हैं, छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो ये वाली यहीं पे फिनिश होती है, नेक्स्ट क्लास में उसको पूरी कर देंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना।